हेलो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। ये देखिए पटना जंक्शन का, ये देखिए धीरे धीरे चेंज हो, ये देखिए मैं नज़दीक से इसकी खूबसूरती दिखा। हेलो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं दिल्ली घूमने के लिए, और ये मेरा भतीजा है सामने बैठा हुआ, वीडियो बना ली। और स्टेशन पे आ चुके हैं पटना जंक्शन पे, सामने हनुमान मंदिर है, देख सकते हैं सामने हनुमान मंदिर है। नाइट का भी दिखाएंगे आप लोग को जो कैसा लगता है, और स्टेशन का भी ये सब जो है सो नाइट का व्यू दिखाएंगे, बहुत अच्छा लगता है देखने में। ये देखिए पटना जंक्शन का है सीन है, कितना अच्छा लग रहा है। अभी हनुमान मंदिर खुला हुआ नहीं है, बंद किया हुआ है शायद कोरोना के काल में, नहीं तो इसमें भी लाइट जलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और फिलहाल यहाँ का नज़ारा देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पटना जंक्शन का नज़ारा इतना खूबसूरत, ये जितना लाइट देख रहे हैं ना चेंज होता है, ये बिल्कुल व्यू चेंज होता है इसका, बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। देख सकते हैं कितना मज़ेदार और मस्त लग रहा है देखने। वो मेरा भतीजा एस्केलेटर पे चढ़ा हुआ है, उसको मन था जो लिफ्ट वाले सीढ़ी से ऊपर जाए और नीचे आए, वो पूछ के गया है, मैं बोला ठीक है जाओ घूम के आओ। ये देखिए धीरे धीरे चेंज हो रहा है, शायद आप लोग को दिख रहा होगा या नहीं, देखिए कैसा व्यू है, नज़ारा चेंज होता है हर 20-25 सेकंड पे चेंज होता रहता है। ये देखिए मैं नज़दीक से इसकी खूबसूरती दिखाता हूँ, कितना अच्छा लगता है, चंद्रगुप्त मौर्य। ये खूबसूरती देखिए, और ये खूबसूरती देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, मस्त। ये है पटना जंक्शन का व्यू, ये देखिए महात्मा गांधी सेतु पुल, शेर शाह का मकबरा, बाबा हरिहर धाम सोनपुर, सिमरतुल्ला, ये है बिहार का, ये ताजमहल हो गया आगरा का, ये सब दिया हो, गेटवे ऑफ इंडिया सब दर्शाया गया है यहाँ पे, क्या क्या है, मस्त लगता है देखने में। हम लोग जा रहे हैं 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही गाड़ी आएगी संपूर्ण क्रांति, उसके बाद कर रहे हैं। गाड़ी में बैठ गया हूँ, अब यहाँ से दिल्ली के लिए जाऊँगा, यहाँ पर गाड़ी में आ गया, ये मेरी सीट है। हम लोग दिल्ली स्टेशन पे उतर चुके हैं, अब जाएंगे मेट्रो पकड़ना है। अब मेट्रो पकड़ना है, मेट्रो पकड़ के निकलते हैं रूम पे,
ये मेट्रो का लाइन है भाई साहब, बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है, पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। लगता है कोरोना का जो है वही चेक उक करके दिया जाया, सब चेक कर रहे होंगे पता नहीं क्या। अब मेट्रो स्टेशन आ चुके हैं, अब यहाँ से जाएंगे रूम पे। अब मेट्रो स्टेशन पे आ चुका हूँ, अब यहाँ से आएगी ट्रेन तो फिर मेट्रो आएगी, पकड़ूंगा यहाँ से फिलहाल। मेट्रो आ चुकी है, गेट खुले, हम लोग अंदर बैठ जाओ बैठ जाओ। मेट्रो फिर चेंज करना पड़ेगा यहाँ से एक और नोएडा जाने के लिए, तो फिलहाल चलते हैं वहाँ पे चेंज करते हैं मेट्रो। ये है राजीव चौक, यहाँ पे दो जगह अंडरग्राउंड है, मेरा मेट्रो भी आना बाकी है। और यहाँ पे दो दो फ्लोर जो है से नीचे है, एक बेसमेंट में ही है अंडरग्राउंड, ये भी अंडरग्राउंड है और यहाँ से एक नीचे भी अंडरग्राउंड है। नोएडा का एक मिनट में गाड़ी आने वाली है, इसी में चढ़ना है। कोरोना का इतना कहर है जो पूरा मेट्रो खाली है, ये सब जगह ऐसा था जो मेट्रो कभी खाली नहीं रहता था, ये पूरा मेट्रो खाली है। तो उतर गए मेट्रो से, रूम के लिए प्रस्थान करेंगे यहाँ से, यहीं पे आखिरी मेरा स्टॉप है, अब यहाँ से रूम पे जाएंगे। थोड़ी दूर पे ऑटो पकड़ना पड़ेगा, 5 मिनट की दूरी। वीडियो को यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, रूम पे पहुँच गया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी मेरा दिल्ली का टूर है 10 दिनों का, तो यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो आप लोग को जरूर देखेंगे, ठीक है। अभी